खेल मंत्रालय ने रविवार 24 दिसंबर को बड़ा फैसला लेते भारतीय कुश्ती संघ को अनिश्चितकाल तक के लिए निलंबित कर दिया। भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह 21 दिसंबर को हुए चुनाव में अध्यक्ष बने थे। इसके बाद पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का फैसला किया था। वहीं बजरंग पुनिया ने पद्मश्री लौटा दिया था। माना जा रहा है कि खिलाड़ियों के बढ़ते विरोध के कारण सरकार का ये फैसला है। हालांकि खेल मंत्रालय के सूत्र ने कहा कि नियमों के उल्लंघन के कारण कुश्ती संघ को निलंबित किया गया है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इस साल जनवरी से लगातार खड़ी रहने वाली दिग्गज पहलवान विनेश फोगाट ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने पहलवानों के प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। विनेश ने कहा कि खिलाड़ियों की लड़ाई कभी सरकार के खिलाफ नहीं थी, हमारी लड़ाई बस इतनी सी थी कि जिन्होंने गलत किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए, महिला खिलाड़ियों के साथ गलत करने वालों के खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं थी। विनेश ने एक टीवी चैनल से कहा कि सरकार का यह फैसला खिलाड़ियों के हित में है, कोई सही शख्स कुश्ती संघ का अध्यक्ष बने, किसी महिला को यह जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, इससे हमें सुकून मिलेगा, हमें ये लगेगा कि हमें लड़ाई और संघर्षों की जीत हुई है। हम राजनीति नहीं कर रहे थे, महिला खिलाड़ियों का शोषण हुआ है, हम उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, हमें कैसी राजनीति। विनेश ने कहा कि उनकी लड़ाई ब्रजभूषण शरण सिंह के शोषण के खिलाफ है, न्यायालय में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें जिस दिन न्याय मिल जाएगा हम विरोध खत्म कर देंगे। पहलवान सबसे पहले 18 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे थे, उसके बाद अप्रैल में प्रदर्शन किया था, फिर कुश्ती संघ के चुनाव के लिए कई समितियां बनाई गईं और 21 दिसंबर को चुनाव हुए, इसमें ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह जीते। अब कुश्ती संघ को सरकार ने निलंबित कर दिया। जब संजय सिंह चुनाव जीते तो ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी और ब्रजभूषण भी कहने लगे कि दबदबा था दबदबा रहेगा, लेकिन अब मोदी सरकार के इस फैसले ने, खेल मंत्रालय के इस फैसले ने दबदबा खत्म कर दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह अब छटपटा रहे हैं ऐसी खबरें हैं, क्योंकि जिस पर उनका दबदबा था अब वही WFI को ही सस्पेंड कर दिया, तो अपना दबदबा किस पर बनाएंगे। विनेश फोगाट ने मोदी सरकार का धन्यवाद जताया इस फैसले पर, खेल मंत्रालय का धन्यवाद जताया है, लेकिन अभी भी उन्होंने कहा कि लड़ाई जारी है। ब्रजभूषण जैसे कहीं ना कहीं व्यक्तियों के खिलाफ जो पहलवानी की दुनिया को पूरा दागदार कर रहे हैं। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।